आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है और निगम प्रशासन के उस रवैये से जुड़ी है जिसने गड़गड़ाती हुई लड़की पर भी दया नहीं खाई। शुरुआत में आपने वीडियो देखा होगा, सब्जी का ठेला देखा होगा, एक लड़की सब्जी बेच रही थी और उसके साथ एक महिला भी थी और उसके परिवार की, वो सब्जी बेच रही थी। उसी समय निगम का अमला आता है, ठेले को हटाने के लिए कहता है और ठेले हटाने के लिए नहीं कहता, ठेला हटाने लगता है दरअसल, और वो बार बार गड़गड़ाती रहती है, विनती करती रहती है कि देखिए मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ और मैंने ठेला लगाया है, सब्जी मत ले जाइए आप, इस तरीके से वो बार बार गुहार लगाती है। एक बार आप वीडियो देख लीजिए। देखा आपने वीडियो। अब इसमें वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक चीज़ ऐसी भी आती है कि जो पुलिसकर्मी आता है वो इस लड़की को हाथ पकड़ के धक्का भी देता है, एक महिला को भी पहले एक धक्का देता है जो लड़की के साथ थी, उसकी परिजन, उसको भी धक्का देता है। निगम का अमला ठेला उठाता है और गाड़ी में सब्जी को ले जाता है। तो अब सवाल ये स्थिति है कि ठीक है ये हुआ कैसे और कहाँ, मैं भी आपको बता दूँ, रीवा का प्रकाश चौराहा है जहाँ पर ये सब्जी का ठेला लगाने वाली लड़की थी। अब वहाँ पर निगम का अमला आता है और इनका कहना ये था कि प्रशासन का आदेश है कि जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके इस तरीके से बाजार में ठेला लगा रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की बात भी सुन लीजिए। हाँ, जो भी हम लोग यहाँ पर भ्रमण किया जा रहा है सीएसपी साहब एसडीएम साहब के द्वारा, और यहाँ पर जैसे वो भी ठेला लेकर घूम रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू को जो भी उल्लंघन कर रहे हैं। पीछे कई दिनों से देखा जा रहा था कई ठेला वाले जो होते हैं सुबह जो 7 से 12 का टाइम है उसके पश्चात भी जो किनारे लगाए रहते हैं और अनावश्यक भीड़ इकट्ठा होती रहती है, और उसी प्रशासनिक कसावट के लिए और कोरोना कर्फ्यू के पालन के लिए ये भ्रमण किया जा रहा है। जो भी हमको दिख रहा है जो भी ठेला वाले अवैध लगाए हुए हैं उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की। सुना आपने, तहसीलदार कह रहे हैं कि जो कि प्रशासन का आदेश है इस तरीके से ये लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और इन्होंने इस तरीके से जो मार्केट में लगा रखे थे लोगों ने दुकान या ठेले उन पर हमने एक्शन लिया। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा कि आपने एक्शन लिया, लोग नियम का पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन कितना तर्कसंगत है ये कि अगर मान लीजिए कोई सब्जी का ठेला लगाने वाली लड़की है, वो सब्जी का ठेला लगा रही है तो उसको समझाइश दी जा सकती थी, उसको समझाया जा सकता था, वहाँ से हटाया जा सकता था और ये कहा जा सकता था कि प्रशासन का ये नियम है। लेकिन धक्का देना, कोई गड़गड़ा रहा है उसकी बात ना सुनना, कोई फरियाद लगा रहा है उसको दरकिनार कर देना, हाथ से हटाकर, वो भी पुरुषकर्मी जो है, पुलिस आरक्षक जो भी पुलिसकर्मी नज़र आया उस वीडियो में, वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो क्या संवेदनशीलता खोती जा रही है नियमों का पालन कराने में? क्योंकि बात तो यही निकल कर सामने आई इस तरीके से इस वीडियो के जरिए कि ठीक है नियम है, नियम का पालन कराना प्रशासन का अपना काम है, लेकिन नियम का पालन कराते कराते अगर मानवीयता को आप भूल जाएंगे तो कैसे कैसे फिर लोगों के मन में विश्वास रहेगा और कहाँ संवेदनशीलता जाएगी? क्योंकि बात यही निकलकर तस्वीरों से सामने आई इस वीडियो में कि लड़की गिड़गिड़ा रही थी, वो बार बार उसने कहा कि बड़ी मुश्किल से सब्जी का ठेला लगाया है, माफ़ कर दीजिए, लेकिन एक ना सुनी गई उसकी बात। तो सवाल ये है कि नियमों का पालन कराएं, आप प्रशासन के अधिकारी हैं, निगम के अमले से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप इस तरीके से कहें कि सामान्य तौर पर लोगों को बात समझ में आए, लेकिन इस तरीके से रौब दिखाकर और या कहें कि इस तरीके से सख्ती दिखाकर क्या लोगों के मन विश्वास भरा जा सकता है? संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था ऐसी जगह पर। आप देखते रहिए एमपी तक।